नमस्कार दोस्तों, मैं ईश यादव आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हुए। आज काफी सोचने के बाद मैंने सोचा और सोचते सोचते इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमारे बहुत से जो साधक हैं वो ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे या उनका ध्यान में मन नहीं लगता है। तो काफी निष्कर्ष के बाद ये बात पे हम अंततः पहुंचे और हमने देखा कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण कारण पे हम चर्चा करेंगे और आप अगर इसको सूक्ष्मता से अनुभव करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मित्रों, होता क्या है, जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमारा मन भटकता है और इस मन के पीछे ही हम लग जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं। प्रकृति का एक सिद्धांत है, आपको ध्यान में प्रवेश के लिए, ध्यान में आगे जाने के लिए साधारण से असाधारण होना पड़ेगा। अब काफी मित्रों के मन में ये प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों। देखिए मित्रों, हर चीज की एक सीमा होती है और जब आप उस सीमा को लांग जाते हैं तब आप असाधारण हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। एक व्यक्ति आपके आंखों के समक्ष गुजरता है, जब वो आपकी आंखों के समक्ष गुजरता है तो उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलोमीटर पर घंटा, एकदम आराम से आपको बहुत अच्छे से वो दिखता है। लेकिन जब वही व्यक्ति 100 किलोमीटर पर घंटा से जाएगा तो आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखेगी, लेकिन वही व्यक्ति जब 1000 किलोमीटर पर घंटे की गाड़ी में या प्लेन में बैठ के आपके सामने से निकलेगा तो आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि उसने उस सीमा को लांग दिया है। और उस सीमा को लांगने के कारण आपको वो दृश्य प्रतीत नहीं होता है। ध्यान भी वैसा ही है, हम उसमें रम नहीं पा रहे हैं, हम उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति की सीमाओं में बंधे हुए हैं। प्रकृति की सीमाओं को हमें लांघना होगा। अब काफी मित्रों का या काफी साधकों का यह प्रश्न होगा कि कैसे लांघा जाए। आप सूरदास जी को देख लीजिए, आप कबीरदास जी को देख लीजिए, आप किसी संत को देख लीजिए, उन्होंने अपनी भक्ति की सीमाओं को लांघा है, उन्होंने प्रकृति के जो नियम है उनको लांघा है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अवस्था में उन्होंने प्रवेश किया है। आपको उस अवस्था में प्रवेश करना होगा, तभी ही आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, काफी मित्र बोलते हैं कि मैं 6 महीने से ध्यान कर रहा हूं, मुझे कुछ हुआ नहीं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं कहना कि क्या आपने बिना नागा किए नियमित रूप से 2 बार ध्यान किया, सुबह और शाम? आप एक टाइम भी या एक दिन भी ध्यान छोड़ते हैं तो आप पीछे चले जाते हैं। इसकी पहली शर्त है नियमित ध्यान करना। एक डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये 2 गोली 6 महीने तक लगातार लेनी है और अगर आपने बीच में गोली को मिस कर दिया तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, कोर्स खराब हो जाएगा। ऐसे ही ये ध्यान है, सभी चीजों को त्यागते हुए भी पहले आपको नियमित रूप से ध्यान करना है, तभी आप सूक्ष्म हो पाएंगे, सूक्ष्मतर अवस्था में जा पाएंगे। दूसरी चीज, आप किसी डॉक्टर ने कहा है कि 2 गोली आप खाइए और आप कोशिश करते हैं एक ही दिन में आप 20 गोली खा लेते हैं, मतलब एक दिन में आप 8 बार बैठ जाते हैं, अगले 4 दिन आप बैठते नहीं है, तो भी आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, पहला जो मूल रीजन है वो है नियमित ध्यान। दूसरा, आपको दृष्टा बने रहना है।
आपको दृश्यों में फंसना नहीं, हमारे अधिकतर साधक मित्र बोलते हैं कि हम दृश्य में फंसते नहीं है, लेकिन जब सूक्ष्म अवस्था से या सूक्ष्मता से उनके विषय का या उनके मन का अध्ययन किया जाता है तो किसी न किसी दृश्य में फंस जाते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ध्यान बहुत आसान है, आसान होता तो ऋषि मुनि जंगलों में जाके तपस्या नहीं करते। तो नियमितता के बाद दूसरी बात आती है स्थिरता। अगर आप स्थिर हैं, आप नियमित ध्यान कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने आधी जंग जीत ली, आधी जंग आपने जीत ली। लेकिन फिर एक भी दिन का गैप नहीं चाहिए और स्थिरता पे ध्यान देना है, डिस्टर्ब बने रहिए। अगर आप इतना करने में दोस्तों सफल हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए मंजिल आपको सामने दिखेगी। तो ठानिए कि मैं 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच तक ऐसा करूंगा और फिर हमें बताइए। अगले वीडियो में हम इसके आगे के चरण की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेडिटेशन ध्यान साधना टेक्निक आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफल बनाएं।